और अब आपके बीच आकर मुझे दो रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये रोपवे ने खंभे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है, ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा इतना नहीं है, इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। आप देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। और समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरुओं की कृपा बनी रहे, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, बद्री विशाल की कृपा बनी रहे यही, और हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सीमा में इस काम को पूरा करें। और हम प्रार्थना करें, हर बार प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत कठिन इलाका है, यहां काम करना कठिन होता है, हवाएं तेज चलती हैं और इतनी ऊंचाई पे जाके काम करना होता है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस पूरे काम के दरमियान कोई एक्सीडेंट न हो जाए, किसी हमारे साथी का नुकसान न हो जाए, ये हम प्रार्थना करते रहे। और जिस भी गांव के पास वो काम करते हैं, वो भगवान का काम कर रहे हैं, आप उनको संभालना, उनको मजदूर मत समझना।